हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज आईपी। फ्रेंड्स, आज 27 नवंबर और 27 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको बैंक, एसएससी, रेलवे और सभी कंपटीशन एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप मेरे चैनल नॉलेज आईपी पर आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अगर आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। जी हाँ, कमलनाथ सरकार ने इसकी घोषणा की है। फ्रेंड्स, बात मध्य प्रदेश की आई है तो मध्य प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं लालजी टंडन और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी। फ्रेंड्स, इसकी घोषणा किसने की है तो ये भी हम जान लेते हैं, मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी जी हैं जिन्होंने इसकी घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में इटावा लायन सफारी पार्क का उद्घाटन किया गया है? आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अशोक लेलैंड लिमिटेड ने किस बैंक के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आईसीआईसीआई बैंक। बात अशोक लेलैंड की आई है तो हम इसके बारे में जान लें। अशोक लेलैंड कि जो मूल संगठन है वो हिंदुजा समूह है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके संस्थापक का नाम रघुनंदन सरन है। फ्रेंड्स, ये था अशोक लेलैंड के बारे में। फ्रेंड्स, बात आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आ रही है तो हम इसके बारे में जान लें। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई भारत में स्थित है और इसके अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं और इसके एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी जी हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, राष्ट्रीय खिताब डबल ट्रैप किसने जीता है? आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए संग्राम दहिया, ऑप्शन बी वर्षा वर्मन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जीता फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं लेफ्ट साइड यही है संग्राम दहिया जी और ये जो राइट में दिख रही है वर्षा वर्मन जी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 19 नवंबर, ऑप्शन बी 21 नवंबर, ऑप्शन सी 23 नवंबर, ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर। दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं यही हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, इन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल 26 नवंबर को देश भर में नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है और इन्हें व्हाइट रेवोल्यूशन जिसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं उसका जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों, अब हम ये भी जान लें कि पहला दुग्ध दिवस कब मनाया गया, तो 26 नवंबर 2014 को ये मनाया गया था पहला दुग्ध दिवस और यहीं से हम ये लगातार मनाते आ रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने नेशनल मिल्क डे के बारे में जान लिया था, हमें ये भी पता होना चाहिए कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीपिका कुमारी, ऑप्शन बी अतुल दास, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। फ्रेंड्स, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं यही हैं दीपिका कुमारी और अतुल दास। तो फ्रेंड्स, दीपिका कुमारी और अतुल दास ने कोलकाता में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व और कंपाउंड मिश्रित दोनों स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, किस देश में शंघाई सहयोग बैठक 2020 का आयोजन किया जाएगा? आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपना देश भारत। तो फ्रेंड्स,
ये 6वीं बैठक होगी और ये हमारे भारत में होगी। इसके पहले रूस के मॉस्को में हुई थी, वो 5वीं बैठक थी, अब ये 6वीं बैठक होने वाली है। बात SCO की आई है, जिसका फुल फॉर्म होता है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 19 सितंबर 2003 में हुई थी, उसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है और इसके वर्तमान महासचिव व्लादिमीर नोरोव हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन, ऑप्शन में ए NVIDIA, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए NVIDIA। फ्रेंड्स, ये जो टर्म आई है NVIDIA, इसका हेडक्वार्टर है या इस कंपनी का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया अमेरिका में, और इसके CEO हैं जेनसेन हुआंग। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसने राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला 2019 का उद्घाटन किया है? आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी नवीन पटनायक, ऑप्शन सी गणेश सिला, ऑप्शन डी अशोक गहलोत। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवीन पटनायक। तो फ्रेंड्स, नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, तो हम उड़ीसा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और उड़ीसा में ही एक हमारा व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदल कर के अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, जहाँ पे हमारे जो अग्नि मिसाइल हुई हैं उनका परीक्षण वगैरह होता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में सुमन बिरला को संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय का प्रमुख चुना गया है, वे किस राज्य के हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की बात आ जाती है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। इस बात केरल की आई है तो हम केरल के बारे में जान लें। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। दोस्तों, ये जो टर्म लिखी है UNWTO, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी का उन्हें प्रमुख चुना गया है। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1975 में, और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं हम? 27 सितंबर में। और इस बार की इसकी थीम है टूरिज्म एंड जॉब, अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान से अपने नोटबुक में नोट कर लें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वैश्विक समृद्धि सूचकांक 2019 में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? इसमें शहर की बात आई है, ना कि देश की। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्यूरिक शहर, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ज्यूरिक शहर, जो कि स्विट्जरलैंड का है। दोस्तों, बात स्विट्जरलैंड की आई है तो स्विट्जरलैंड के बारे में जान लें। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, राष्ट्रपति हैं उली मॉरर, और वहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। तो फ्रेंड्स, ये थी बात स्विट्जरलैंड की। अब हम ये जान लें कि विश्व समृद्धि सूचकांक 2019 जो आया है उसमें टॉप 5 देश कौन से हैं, और अगर हमारे देश का नाम है उसमें तो वो किस नंबर पर हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ पहले नंबर पर है ज्यूरिक, और दूसरा है वियना ऑस्ट्रिया का है, जो तीसरा है कोपेनहेगन, चौथा है लक्समबर्ग, और पांचवा है हेलसिंकी, मतलब पांचों में हमारा नाम नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो देश का शहर है उसमें सबसे टॉप पे है हमारा बेंगलोर, जो कि 83वीं नंबर पे है, और दिल्ली 101 नंबर पे, और मुंबई 107 नंबर पे। और फ्रेंड्स, ये जो इंडेक्स निकलता है टोटल 113 देशों के शहरों के नाम पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, और मुझे आशा है कि सबको इसके बारे में डिटेल से पता होगा, तो सभी आप इसको डिटेल से लिखें, इसके बारे में डिटेल से आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 17 नवंबर, ऑप्शन बी 19 नवंबर। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 17 नवंबर, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 21 नवंबर, ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर। दोस्तों, बात आई है संविधान दिवस की, तो हमारे भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अंबेडकर जी को। तो फ्रेंड्स, अब बात संविधान की आई है तो हम इसको इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 में हो गया था, लेकिन इसको लागू किया था हमने 26 जनवरी 1949
50 में, और यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसे लिखने में तकरीबन 2 वर्ष से ज़्यादा लग गया था। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अंबेडकर थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको आप ध्यान से अपने नोटबुक में नोट कर लें। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, कल की वीडियो का हमने क्वेश्चन पूछा था कि डेविस कप 2019 का खिताब किसने जीता। फ्रेंड्स, आप किसी को 4 ऑप्शन दिए थे मैंने, डेनिस शापोवालोव और राफेल नडाल, रोजर फेडर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर सभी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था और सभी ने लगभग करेक्ट लिखा था, किसी किसी ने डिटेल में भी लिखा था। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे ही आप डिटेल में लिखते रहें जिससे आपको याद हो जाए, और डिटेल में लिखने से क्या होता है कि हमें थोड़ी ज़्यादा दिन तक वो याद रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप मेरे चैनल नॉलेज आईपी पर आए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आपको टाइप करना है। तो हमारा क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय जनजाति शिल्प मेला 2019 का उद्घाटन किया। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी नवीन पटनायक, ऑप्शन सी गणेशीलाल, ऑप्शन डी अशोक गहलोत। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और थोड़ा डिटेल में भी लिख दें अगर आप, तो आपके लिए भी अच्छा है और आपको लंबे समय तक याद रहेगा, आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आज करंट अफेयर्स की PDF फाइल आप डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।